तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमारी ज़िंदगी में अहम हिस्सा जो है वो प्ले करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक कनेक्शन। तो चलिए पंडित जी से पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक कनेक्शन कैसे हमारी ज़िंदगी में जो वास्तु दोष के साथ कैसे कनेक्ट करता है। पंडित जी, कैसे कनेक्ट? बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत अहम क्वेश्चन, और साधारण के साथ साथ आज के युग में तो नेहा हम इलेक्ट्रिसिटी के बगैर इस जीवन को शायद कंपेयर भी नहीं कर पाएं, शायद हम सोच भी ना पाएं, क्योंकि बिजली जो है हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है। मिक्सर से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक कुकर्स तक, इलेक्ट्रॉनिक स्टोव तवा तक, मोबाइल बैटरीज, टेलीविजन, सीलिंग फैंस, वॉल फैंस, हमारी ट्यूबलाइट्स, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक पॉइंट्स हैं, इनके बगैर जीवन की संभावना भी नहीं है। क्योंकि अगर थोड़ी देर के लिए भी अगर बिजली चली जाए, इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, पावर कट आ जाए, तो हम शायद गर्मी के मारे अपने आप को बहुत असहज महसूस करते हैं, क्योंकि हम उस चीज़ का इतना आदी हो चुके हैं। और लाजमी सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पॉइंट्स के थ्रू ही हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूट होती है। मेन जो टर्मिनल पोल होता है, पहले तो ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर से पोल, पोल से हमारे घरों में मीटर तक, और मीटर से फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होती है जंक्शन बॉक्स के थ्रू हमारे कमरों तक, वॉशरूम्स तक, किचन तक, हर जगह, मंदिर में भी हर जगह बिजली है। और बिजली स्वयं में एक ऊर्जा लिए हुए है, और वास्तु क्या है? वास्तु है वस्तु विशेष की स्थिति। और जिस चीज़ में ऊर्जा है, जिस चीज़ में हम एक वस्तु को लगा रहे हैं, वहाँ पर वास्तु से रिलेटेड दोष आएंगे ही आएंगे। पहले हमें यह समझना होगा नेहा जी और दर्शकों आपको भी, कि बिजली क्या है। नंबर एक, बिजली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है साइंटिफिकली, और ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ये राहु कहा गया, और जहां कहीं भी राहु का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है वहां वास्तु दोष क्रिएट हो जाना हो जाता है। बिजली अगर इतनी प्यारी हो और अगर हम उसे छू लें तो हमें वो झटका देती है, मतलब उसके अंदर एक चार्ज है, और वो हमारे लिए वैसे तो बहुत फलदायक है, अब हमें रोशनी देती है, हमारे एंटरटेनमेंट को प्ले करती है, लेकिन अगर हम उसे नंगे हाथ छू लें तो वो इतनी घातक है कि हम भली भांति जानते हैं। उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, उसको कवरिंग की ज़रूरत होती है, उसके लिए हम पीवीसी या प्लास्टिक के स्विचेस और बोर्ड्स लगवाते हैं, और यहीं से वास्तु दोष का जन्म होना शुरू हो जाता है। प्लग्स जहाँ पर भी हैं वहाँ पर राहु अपना चार्ज फेंक रहा है, और अगर वहां पर हम किसी चीज से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे अगर हमने हेयर ड्रायर को इस्तेमाल किया और उसकी मोटर ने काम करना शुरू किया, यानी शनि ने अपना काम करना शुरू कर दिया, जैसे ही वो मोटर बंद हुई उसने राहु की प्लेसमेंट ले ली, ये इसका एक रोल है। अगर घर में बहुत ज्यादा कनेक्शन हैं अलग अलग, और बहुत अलग अलग पॉइंटर्स हैं घर में, तो ये वास्तु दोष निश्चित रूप से क्रिएट करते हैं। और इसका हम आने वाले समय के अंदर भी बहुत देखते हैं कि आजकल रात को नींदें खराब हो गई हैं लोगों की, इंसोमेनिया के पेशेंट्स होने लग गए लोग, डिप्रेशन के पेशेंट्स होने लग गए, साइकोलॉजिकल स्टेट जो है व्यक्ति की, मनोवैज्ञानिक दिशा खराब होने लग गई, क्योंकि राहु का सबसे बड़ा शत्रु है चंद्रमा, और चंद्रमा हमारे मन पर रूल करता है, हमारे विवेक को, हमारी साइकोलॉजिकल स्टेट को चंद्रमा ड्राइव कर रहा होता है। और आपने भी देखा होगा, पागलों को ठीक करने के लिए या उनको थोड़ा सा संतुलित बनाने के लिए, एग्रावेशन को डाउन करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक लिए जाते हैं, इसलिए लिए जाते हैं कि मंगल डाउन हो जाए। ये एक बहुत बड़ा कनेक्शन है वास्तु का बिजली के साथ में। तो बिजली राहु है जो हमारे चारों तरफ फैलता है और बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट भी करता है। तो पंडित जी, ये जो है इनकी कोई दिशा भी है घर में जो हमें मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट दे या हमें पॉजिटिव ही रखे? जी देखिए नेहा, एक बात बताना चाहूँगा आपको कि हर पॉइंट पर वास्तु हम नहीं सोच सकते, लेकिन हाँ, जहाँ जंक्शंस हो, जहाँ जमावाड़ा हो बहुत सारी वायर्स का, जहाँ बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा हो, एटलीस्ट जो हमारे बिजली का मीटर है उसके लिए वास्तु की जगह निश्चित की जानी चाहिए। या कोई बड़े ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हों, जैसे आपकी पानी की मोटर है, या कोई बड़ी इलेक्ट्रिसिटी का कोई ऐसा कंपाउंड है, उसका भी वास्तु जगह निश्चित की जानी चाहिए और होनी चाहिए रादर, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक वेव्स को कन्वर्ट करते हैं और उसकी वजह से वास्तु डिफेक्ट्स आ जाते हैं इफेक्ट्स की जगह। तो घर में एक जगह जो होती है
वो होती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जो राहु की जगह है। अगर आपका इलेक्ट्रिकल मीटर वहाँ लग रहा है तो बेस्ट है। इसके अलावा साउथ डायरेक्शन एक ऐसी डायरेक्शन है जो एनर्जी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर आपका मीटर और आपका पूरा इलेक्ट्रिक पैनल जिसमें MCBs होती हैं, जिसके अंदर स्विचर्स होते हैं, चेंजर्स होते हैं, फेज चेंजर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फ्यूज़ होते हैं, आज भी कुछ लोग जो पुराने तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं उनके लिए फ्यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिकल फ्यूज़, उनकी जगह सबसे बेस्ट साउथ वेस्ट है, उसके बाद साउथ है या फिर वेस्ट है। और अगर इन जगहों पर ना हो सके तो पांचवी डायरेक्शन जो है वो कही जाती है साउथ ईस्ट, जो एनर्जी फ्लो के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा बाकी जगह जो है वहाँ पर इलेक्ट्रिक पैनल, इलेक्ट्रिक बोर्ड्स, इलेक्ट्रिक मीटर बहुत बुरा इफेक्ट देता है। तो पंडित जी, जैसे मैंने देखा है जो घर में हम इन्वर्टर्स लगवाते हैं उसको भी हम घर पे कहीं भी जगह भी किसी भी जगह प्लेस कर देते हैं या जनरेटर्स लगवाते हैं, तो ये क्या वास्तु दोष का कारण बनता है? बिल्कुल, बहुत बड़ा कारण है। देखिए एक बात मैं आपको बताऊंगा, इन्वर्टर के अंदर क्या होता है, इन्वर्टर के अंदर होता है बैटरीज, और बैटरीज क्या होती हैं, होती है लेड कैडमियम। ये स्वयं राहु का मेटल है, इसी से सोल्डरिंग की जाती है। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा टीवीज़ में सोल्डरिंग करने के लिए एक सोल्डरिंग वायर और एक आयरन मशीन इस्तेमाल होती थी। जो तार होती है वो एग्जैक्टली रांगे से बनी होती है। जब ये चार्ज होती है, राहु इसको खींच रहा होता है, अपनी ही पावर को खींच रहा होता है, चार्ज कर रहा होता है बिजली को, उस समय पे एक एनर्जी का चार्ज क्रिएट हो जाता है और यही वास्तु दोष का कारण बनता है। इसलिए इन्वर्टर्स के लिए भी वही जगह है, साउथ वेस्ट, वेस्ट, साउथ, और अगर ना हो पाए तो साउथ ईस्ट। इसके अलावा अगर आप किसी और जगह पर ये चीज़ें रखते हैं तो वास्तु डिफेक्ट जरूर देती है। तो मैंने देखा है कि जैसे बिजली का कोई भी इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा है, अगर उसके ऊपर निशान लगाओ या उसके ऊपर जो बल्ब लगा वो रेड कलर का ही होता है, क्यों? ये वास्तु से कनेक्ट करता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, वास्तु से कनेक्ट करता है। देखिए लाल जो बल्ब होता है वो मंगल का निशान होता है, तो राहु को थोड़ा सा डाउन करने के लिए और दूसरा खतरे को दिखाने के लिए हम लाल बल्ब का इस्तेमाल करते हैं। उस एरिया को, नीलेपन को हम लाल में थोड़ा बहुत कन्वर्ट कर रहे होते हैं, उसकी एनर्जी जो नेगेटिव एनर्जी उसको हम थोड़ा सा पॉजिटिवली चार्ज कर रहे होते हैं। ये लाल बल्ब लगाने का एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी साहब जानकारी के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पंडित जी से मिली होगी। तो और भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक हम रोज़ आपके लिए लेकर आएंगे और पंडित जी से सवाल जवाब करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाने से पहले हमारा YouTube चैनल कुंडली TV शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।